तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हर्षिक एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद अपना मुलाकात हो रही है, काफ़ी दिनों के बाद अपना ब्लॉग आ रहा है। क्या करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे आती रहती है, तो अपना काम ऐसा थोड़ा डिले हो जाते हैं। तो वैसे तो एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि अपना जो लैपटॉप था उसमें अपना एडिटिंग टूल नहीं चल रहा था, तो उसके थोड़े दिन उसमें चले गए मेरे। और दो तीन चीज़ें हैं लेकिन अभी फ़िलहाल उसको साइड में रखते हैं। अपना लास्ट ब्लॉग था वो अपनी बाइक के ऊपर था जो ख़राब हो गई थी, और ख़राब होने का रीज़न ये था कि उसके अंदर कि उसमें कूलेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और जो थोड़ा बहुत था वो एकदम ओवरहीट की वजह से और बाहर निकल गया और एकदम स्मोक आने लगा गाड़ी में। गाड़ी एकदम हीट हो गई थी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वो ट्रैफिक में 1 या 1.5 आवर से वो ट्रैफिक में था, और फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही थी और इतना हीट हुई जो बाकी सब। तो कैसा वैसा करके मैंने गाड़ी पार्क किया, फिर अपना दोस्त आया, फिर वहाँ से हम लोग टो करके लेके गए और वहाँ तक कि उस दिन वहीं तक एंड हो गया। तो मैंने ये चीज़ के अंदर मैंने अपने जो भी ब्लॉग्स थे ये सब थे मैंने अपना रिकॉर्ड करके रख लिया था। मैं बोला एक बार रिकॉर्ड कर लूँ, बाद में जब भी लैपटॉप बन जाएंगे तो अपना एडिट करके डाल सकते। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो सबसे पहले अपना काम था वो था अपने को बाइक को रिपेयर करना। तो आज दिन था फ्राइडे का दिन और अपन निकल पड़े नमाज के लिए और अपने गाड़ी का काम करवाने के लिए। चलते आप सब, और आज का दिन फ्राइडे और बाहर का क्लाइमेट ऑलमोस्ट 38 डिग्री चल रहा है, काफ़ी गर्मी है इधर भी। ये टाइम पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी रमज़ान गया है। मैं सोचा था गाड़ी नहीं उठाऊँ लेकिन अभी नमाज का टाइम हो रहा है और जुम्मा का भी दिन है, तो वो हिसाब से मेरे को बाइक लेना पड़ा एमरजेंसी में। वैसे तो एकदम काफ़ी स्लो स्पीड में ही जा रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें कूलेंट नहीं है फ़िलहाल के लिए। इसको मेरे को शेड के नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि धूप काफ़ी है और धूप में मैं नहीं खड़े कर सकता इसको, फ़िलहाल इधर खड़े करता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। सोच रहा हूँ कि कूलेंट ले लूँ क्योंकि अभी बाहर निकला हूँ मैं, बाद में टाइम मिले ना मिले इसलिए सोच रहा हूँ कि जाके ले ही लूँ, फिर बाद में कोई मैकेनिक से दलवा देता हूँ क्योंकि अभी काम बहुत, आज फ्राइडे भी और ज़्यादा करके सब दुकानें बंद है। फिर भी देखता हूँ जिधर से मैं अपने पार्ट से लाऊँ गाड़ी के, वो खुला है क्या नहीं। खुला तो है। इसमें मिक्स करने के डायरेक्ट डाल। तो अपने को मोटुल का फिलहाल मिल गया 1 लीटर का, और ये है अराउंड 223 और मेरे को 20 रुपीज़ ऑलमोस्ट इसका कॉस्ट है 223, अपने को मिला है 200 में। और मैंने एक डैशबोर्ड पॉलिश लिया है, अपने कोई नियर बाई होम मैकेनिक के पास से इसको डाल देता हूँ घर। अच्छा हुआ अपना काम हो गया, नहीं तो मेरे को वापस आना पड़ता। तो यहाँ अपने नमाज ख़त्म करके अपना जो भी कूलेंट लाना था वो लेके आ गए थे, और कूलेंट भी अपने को अच्छा खासा मिल गया था, वो भी डायरेक्ट यूज़ करने का, मतलब इसमें कोई कोई कूलेंट आते हैं जिसमें अपने को मिक्स करना पड़ता है, लेकिन ये कूलेंट था कि आप डायरेक्ट आप डाल सकते हो बाइक में, तो ये अच्छी चीज़ हो गई। तो कूलेंट लेके घर पे आया और वहाँ से दो तीन चीज़ मेरे को लेनी थी, वहाँ से फिर निकले अपन मैकेनिक के वहाँ। वैसे तो अपनी बाइक की हालत देख ही सकते हो, काफ़ी गंदी हो चुकी है, उसको वॉश भी कराना है। पहले कूलेंट डालेंगे फिर इसके बाद जाके वॉश करवाएंगे, टाइम मिले तो, नहीं तो या तो रात में ही करना पड़ेगा शायद से। इसके लिए मेरे को एक बैग लेना चाहिए था, बैग ही लिया नहीं, वो खाली फिसल रहा है मैं यहाँ से। चलो चलो अपने को यहाँ से राइट जाने का, राइट 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 कोई बात। किधर है भाई? हाँ तो ये रहा कुछ, अपना टैप ओपन हो गया, अभी इसको पुराना खाली करेंगे और इसमें नया वाला डालेंगे। चलो
चलो करण भाई शुक्रिया, थैंक यू। तो हो गए भाई अपना गाड़ी का काम। चलो यार अभी ये किसी अपने दोस्त को दे देंगे। तो यहाँ अपनी गाड़ी हो गई एकदम तैयार, अपना कूलेंट वूलेंट फुल एंड फाइनल पूरा हो गया। हाफ लीटर की टैंक थी, हाफ लीटर पूरा फुल हो गया, हाफ लीटर बचा ही अपने किसी दोस्त को दे देंगे। और थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि जो इजीली से जो ओपन हो जाता है वो ओपन नहीं हो रहा था उसका टैप। तो मेरे को मैकेनिक तो इधर मैकेनिक को पूरे टैंक खोलना पड़ा, फिर जाके कूलेंट इंस्टॉल करना डालना पड़ा उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी एकदम कूलेंट और ये सब फील हो गई, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के काम अभी बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने को जाना है रोज़ा खोलने अपने दोस्त के उधर इफ्तारी की दावत के लिए। तो चलते क्या भी तो खा रहा है, चुपके डरा रहे वो पीले वो दाल पे ले आया फुल फाइट ऑफ पेट दाल पूरा पेट में फुल फाइट आ रहा है पेट टूट गया मतलब कारण पेट कैंसर पॉइजन हाउस देयर है पंप टेक मैन टेक योर बनाना टेक योर बनाना टेक यूसुफ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो यहाँ अपने दोस्त की इफ्तारी हो जाती है और रात में नमाज वमाज पढ़े थे घर के आए तक कि 11:30 हो जाते, तो काफ़ी रात भी हो जाती घर आए तक। तो ऐसा था कि मैंने अपने दोनों दिन का ब्लॉग एक साथ शूट करा था क्योंकि दोनों दिन इफ्तारी की दावत थी, गाड़ी का काम भी था, तो मैंने बोला क्यों ना अलग अलग पोस्ट करने से बेहतर एक साथ ही पोस्ट करूँ। तो पहले दिन अपने जो इफ्तारी थी अपने दोस्त के उधर थी और दूसरे दिन की जो इफ्तारी की तैयारी थी वो हम लोग सब दोस्त मिल के कर रहे हैं। तो दूसरे दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि अपने जो पहले दिन का जो काम पेंडिंग था, अपनी बाइक वॉश करना था वो घर पहले सबसे पहले उन अपना काम हो गया। और अब घर में अपने पास है मोटोमैक्स की रबिंग पॉलिश और डैशबोर्ड पॉलिश, चलो धोते गाड़ी तो। बस बाइक एकदम चमक गई है, और पॉलिश भी मार चुके हैं, डैशबोर्ड पॉलिश और रबिंग पॉलिश। किधर क्या पॉलिश? निकला लॉन्ग उमर भाई इधर। बस मतलब बस गाड़ी पॉलिश। If you wait for अपनी बाइक हो गई एकदम तैयार, मस्त पॉलिश वॉलिश हो गई एकदम चमक रही है। अपने गली के बच्चे लोग के साथ क्रिकेट खेलने में थोड़ा वक्त चले गया और अभी शाम का वक्त है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे अपन दोस्त के यहाँ तैयारी इफ्तारी की तैयारी करने। यहाँ अपने सारे दोस्त आ रहे, चलते उधर। कैसे हो? फोन करो चालू है और क्या उसमें इफ्तारी से पहले सैंडविच। चलो हाँ
मोइन सोच अभी कौन फोन कर रहा है सदाम हाँ शार्क टैंक में आ जाता है जूस ये सब दुगलापन है अल्लाह अकबर السلام عليكم ورحمة الله क्या ब्रो नमाज तू खड़ी है पूरे समोसे सुनाई हैप्पी खत्म और यहाँ होती अपनी इफ्तारी की दावत खत्म दोनों दिन की तो दोनों दिन की दावत मैंने एक साथ वीडियो में डालो क्योंकि अलग अलग डाल के मतलब नहीं है और मैंने आगे के ब्लॉग भी दो तीन शूट करके रखा तो वो क्या है कि अभी एक दो दिन में कंटिन्यूसली आ जाएंगे क्योंकि एडिटिंग मैंने करके रखा हूँ बस पोस्ट करने की देरी और कुछ नहीं तो मैं आज ये पोस्ट करूँगा और एक दो करके और पोस्ट कर दूँ तो कैसा लग रहा है आप लोगों मेरे रमज़ान के ब्लॉग इफ्तारी के ब्लॉग अभी क्या है रमज़ान चल रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग इतना नहीं हो रही इसलिए ये सब मैं ब्लॉग्स डाल रहा हूँ अभी एक बार रमज़ान ख़त्म हो जाए तो ट्रैवलिंग वापस से शुरू हो जाएंगी तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद है तो डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो कर सकते हो करो कमेंट करें फीडबैक ये जो भी है तो ब्लॉग आज इधर ही एंड करते हैं टिल देन टेक केयर एंड